तो दोस्तों एक ऐसी दंगा सीरीज जिसका ट्रेलर ने तकरीबन एक सालों पहले ही सभी फैंस का दिल जीत लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के ट्रेलर के रिगार्डिंग। और इसके अंदर में कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं थी, सब नॉर्मल दंगा सीरीज की तरह एक्शन वगैरह सब कुछ था, लेकिन जो इसका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो कोई और नहीं बल्कि ये लाल कपड़ों वाली लड़की थी, जिसे देखकर उस दौरान दंगा फैंस इसके ऊपर में काफी ज्यादा मोहित हो गए थे। और मुझे कोई शर्म नहीं ये बताने में कि मैं इस लड़की के ऊपर में काफी ज्यादा फिदा हो गया था। और मैं पता करने लगा कि कब ये दंगा सीरीज रिलीज होगी, लेकिन बाद में मुझे सुनने में आया कि ये 2024 में होगी और मैं डिप्रेशन में पहुंच गया। लेकिन अब फाइनली इसकी रिलीज डेट को कन्फर्म कर दिया गया, यानी कि हमें इसी महीने 29 अक्टूबर देखने को मिलेगा और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इसे देखने के लिए। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर में शी हाओ के शक्ल को क्यों लगाया, क्योंकि इसकी जो राइटर होने वाले हैं चेन डोंग, उन्होंने पहले ही परफेक्ट वर्ल्ड और शाउटिंग द हेविंग्स जैसी दिग्गज दंगा सीरीज को लिख रखा है और अब वो हमें वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स जैसी एक और ब्लॉकबस्टर को देने वाले हैं। बात करें अगर इसके ट्रेलर के रिगार्डिंग, तो इसका जो ट्रेलर था वो हम लोग को काफी तगड़ा देखने को मिलता है। इसके अंदर में एक्शन पैक पूरा सीक्वेंस हम लोग को देखने को मिलता है, साथ ही साथ कई सारी ब्यूटीज भी है। और एक चीज बता दो कि इसके एनिमेशन के अंदर में कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो एनिमेशन स्टूडियो है उन लोगों ने परफेक्ट वर्ल्ड और एपोथियोसिस जैसे टॉप क्लास दंगा सीरीज को क्रिएट किया है। और मैं मानता हूं कि परफेक्ट वर्ल्ड और जो एपोथियोसिस है उनकी एनिमेशन का टक्कर में अभी तक कोई आया तक नहीं है। वो शाउटिंग द हेवंस की बात अलग है, लेकिन ये भी काफी टॉप पर आते हैं। अच्छा, तो मैं समझ गया कि आप लोग इन सभी बातों को सुनकर बोर हो रहे हो। आप लोगों को सिर्फ जानना है कि वो लड़की कौन है, कैसी है और क्या करने वाली है सीरीज के अंदर में। तो मैं एक एक करके सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले मैं इसी लड़की से स्टार्ट करूंगा। इस लड़की का नाम हमें देखने को मिलेगा ज़ियाओ लिनर, काफी सुंदर सा नाम है बिल्कुल उसके चेहरे की तरह। और आप लोगों को सुनकर काफी ज्यादा दुख हुआ कि ये लड़की जो है वो स्टार्टिंग में हमारे MC यानी कि हमारे मदर, मेरा मतलब मेन कैरेक्टर को मारने की कोशिश करती है। अब वो कैसे, आप लोगों को दंगा सीरीज के रिगार्डिंग जब मैं बताऊंगा आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर में जो हमारा मेन लीड होने वाला है उसका नाम है शाओ चन, जो कि एक एक्चुअली में नॉर्मल सा बंदा था और मॉर्टल वर्ल्ड में जीता रहता था, लेकिन किसी वजह से एक गॉडेस ने एक वॉइड को ब्रेक किया जिसकी वजह से वो लोग एक इमॉर्टल वर्ल्ड में आया थे। और यहाँ पर आने के बाद क्या बखेड़ा होगा वो आपको वीडियो में थोड़ा आगे पता चल जाएगा। इसके अलावा जो हमारे शाओ चन की फर्स्ट लव हो सकती है उसका नाम है बाई वे ग्वांग या फिर रोशोई, इन दोनों में कोई एक नाम है। और इसकी सुंदरता जो है वो शाओ लिनर के सामने कुछ भी नहीं है। ये सिंपल सी क्यूट इनोसेंट सी लड़की अभी फिलहाल देखने को मिल रही है और मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन सीरीज में टिकेगी, क्योंकि इसकी सुंदरता कुछ भी नहीं है। तो बस इसके अलावा हमें एक और लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम है यान किंग चन, जिसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिला है, लेकिन लेटर ऑन पता चलने पर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अब मैं आप लोगों को इसके तकरीबन 10 चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर की जो कल्टीवेशन सिस्टम होगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके लिए मुझे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो को बनाना पड़ेगा और वो मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। इसके अंदर में जो हमारा शाओ चन है वो एक मॉर्टल वर्ल्ड में जीता था, जहाँ पर जो कल्टीवेशन थी वो काफी डिसेंट सी थी, यानी कि लोग जो है वो कल्टीवेट करके पावरफुल तो बनेंगे लेकिन इमॉर्टलिटी को वो लोग कभी भी गेन नहीं कर सकते। लेकिन बाद में इस वर्ल्ड की जो मोस्ट पावरफुल पावर हाउसेस थे उन लोगों को इमॉर्टलिटी को गेन करने का कोई तरीका पता चल गया। और इसी दौरान यानी कि चैप्टर्स के अंदर में बोधि धर्मन का नाम मेंशन है। उसके साथ कई और भी नाम थे, लेकिन बोधि धर्मन के बारे में आपको बता दूं कि वो एक्चुअली में एक असली इंसान थे जिन्होंने चाइना में जाके कुंफू को सिखाया था और उन्होंने ही फर्स्ट टाइम मार्शल आर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था चाइना के अंदर में। वो हमारे यहाँ पे एक तरीके का योगा प्रैक्टिस था और उन्होंने चाइना में जाके उन्हें सिखाया और चाइनीज लोग उसे कुंफू की तरह में अभी इस्तेमाल करते हैं फाइटिंग स्किल्स के अंदर। और ये दंगाज में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और ये डिस्क्रिप्शन हम लोगों को नॉवेल्स में देखने को मिला। और नॉवेल्स के अंदर में जब मॉर्टल्स को पता चला कि वो लोग किसी भी जरिए एक ऐसे वर्ल्ड में जा सकते हैं जहां पर एक्चुअली में वो लोग इमॉर्टलिटी को गेन कर पाएंगे, तो उन्होंने वहां पर जाने के कई सारे प्रयत्न को स्टार्ट कर दिया। और उस दौरान उस मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर में एक गॉडेस थी जिसका नाम था लैन नूओ, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक माउंटेन के ऊपर में खड़े होकर उस वर्ल्ड को ब्रेक करने का ट्राई किया, जिस दौरान तकरीबन 1,00,000 से भी ज्यादा लोग उसे बस देखने गए थे कि क्या वो एक्चुअली में इमॉर्टल वर्ल्ड में जा पाएगी। और जब वहाँ पे वो ब्रेक कर रही थी तो उस दौरान वो 2 बार फेल हो चुकी थी। उसी दौरान जो हमारा शाओची था उसके पीछे में हमारी ज़ियाओ लिनर, हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की उसके पीछे पड़ी थी, क्योंकि हमारी जो ज़ियाओ लिनर है इस वर्ल्ड के अंदर में एक रॉयल प्रिंसेस है इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर में, और वो शाओची को किसी वजह से मारना चाहती थी। उसके पीछे कई सारे गुंडे भी पड़े हुए थे। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सीन हमें देखने को मिल रहा है उस दौरान शायद से ये सच में शाओची को मारने का ही ट्राई कर रही है। और उसके बाद जब ये लोग सभी एक हड़काव पे फंसे हुए थे तभी अचानक से लैन नूओ ने उस वर्ल्ड को ब्रेक कर दिया और उस दौरान वहां पर 3 लोग ट्रांसफर हो जाते हैं इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर में, जिनमें हमारा एक शाओची भी था और दूसरी लैन नूओ भी थी। शाओची कभी भी उस वर्ल्ड में जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी फैमिली और जो फ्रेंड्स थे वो इसी वर्ल्ड से बिलोंग करते थे और उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो इमॉर्टलिटी को गेन करे, लेकिन समहाउ वो भी उस वर्ल्ड में पहुंच जाता है। जैसे वो उस वर्ल्ड में पहुंचता है तो वो एक आइलैंड के बीच पर पड़ा हुआ था जहाँ पर उसके शरीर के ऊपर में कई सारे घाव थे क्योंकि उसके पहले उसी ज़ियाओ लिनर के साथ में फाइट हो रही थी।
तो उसके बाद वहाँ पर पहुँचते वो एसेंस की मदद से खुद को हील करना स्टार्ट करता है और तकरीबन एक दो दिनों के अंदर में वो खुद को हील भी कर लेता है। उसी दौरान उसे वहाँ पर कई सारे पावरफुल बीस्ट भी देखने को मिलते हैं। आप लोगों को ये जो आइलैंड दिख रही है जितना ही सुंदर है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। इसके अंदर में कई सारे ऐसे बीस्ट थे जिसे शाओची ने कभी जिंदगी में देखा तक नहीं था। और तो और यहाँ पर एक बीस्ट था जिसका नाम था एंशिएंट 8-आर्म्ड ड्रैगन, जो कि एक्चुअली में इस पूरे आइलैंड को अकेला डोमिनेट करता था। इसके ऊपर में ऐसी कोई भी बीस्ट की औकात नहीं थी कि उसके सामने जाके लड़ सके। और इस आइलैंड के ऊपर में तकरीबन 3 से 4 ही ऐसे बीस्ट थे जिन्होंने इसको पूरा डोमिनेट कर रखा था। और ये जो शोर था उस तरफ में ये सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट 8-आर्म्ड ड्रैगन का इलाका था। शाओचेन इस जगह पे पहुंचने के बाद सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल्स पे ध्यान दे रहा था। और फिर लेटर ऑन जब वो उसको एक्सप्लोर कर रहा था तो वहां पर उसे एक व्हेल मिलता है जो कि असल में व्हेल नहीं है बल्कि कपड़े का हिस्सा है, VEIL। तो वो उस कपड़े के हिस्से को देख के पहचान लेता है कि ये एक्चुअली में किसी और का नहीं बल्कि ज़ाओ लीनर का है। इसका साफ साफ एक ही मतलब था कि अगर वो लड़की इस वर्ल्ड में भी उसे मिल गई तो जरूर मारने का ट्राई करेगी। लेकिन उसे इतना यकीन था कि वो जो प्रिंसेस थी वो मॉडल वर्ल्ड के अंदर में थी और यहाँ पर तो है नहीं, तो वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, लिटरली कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब इसके मन में थोड़ा सा शायद हवस आ गया था। छोड़ो यार, तो हम लोग वापस से मुद्दे पर आते हैं। शाओचेन के ऊपर में जिंदगी काट रहा था तो उस दौरान तभी अचानक से उसे एक इंसान मिलता है जो कि घायल था। और मोस्ट प्रोबेबली इसका जो लड़ाई था वो उस 8-आर्म्ड एंशिएंट ड्रैगन के साथ में हो गया था। और वो जो ड्रैगन था उसके सामने वो लोग तो बिल्कुल भी टिक नहीं सकते थे, उसका मुंह हाथ फूटा पड़ा था। और शाओचेन उसे देखता है कि वो काफी ज्यादा घायल है। तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है और यहाँ पर राइटर की करामात देखो, राइटर ने इतनी सुंदरता से उस लड़की को एक्सप्लेन किया कि आप लोगों का खड़ा हो जाएगा। अरमान गलत मत समझो, उसने साफ साफ लिखा है कि दिस वॉज अ कर्वेशियस यंग वुमन विद अ कर्वेशियस फिगर एंड रिवीलिंग क्लोथ्स। द स्लेंडर स्लो वाइट लेग्स आर लूमरिंग अंडर ट्रांसपेरेंट स्कर्ट, 2 jade arms एंड अ फ्लैट बेली वर एक्सपोज्ड एंड द यंग टावरिंग पीक्स आर रैप्ड अराउंड इन अ टच्ड वेल व्हिच इज सेडक्टिव। और भी बहुत कुछ, आप लोग स्क्रीनशॉट देख लो। मतलब इसके बाद तो आप लोग समझ ही सकते हो, इसमें साफ साफ उसने लिखा कि उसका जो कर्वेशियस फिगर था इतना ज्यादा हॉट था कि आप लोग देख के उसके ऊपर में मोहित हो जाओगे। उसके जो पैर थे और उसकी जो फ्लैट बेली थी वो उसके कपड़ों के अंदर से थोड़ा थोड़ा एक्सपोज होता है। साथ ही साथ वो एकदम एक मन को मोह लेने वाली सुंदरता की मूर्त थी। लेकिन हम लोग सभी सख्त लौंडे, इसके ऊपर में पीलेंगे नहीं, तो हम लोग वापस से कहानी पर आते हैं। फिर शाओचेन इन लोगों को खाने पीने को देता है और काफी ज्यादा बातचीत भी करते हैं। लेकिन इन दोनों के नियत शाओचेन की तरफ में कुछ ज्यादा साफ नहीं थी। मतलब ये लोग उस पे अपनी करना चाहते थे लेकिन मौका देखते ही उसे फंसा के मार देना चाहते थे। और ये बात शाओचेन को पता चल जाती है। और फिर लेटर ऑन जब ये लोग आइलैंड के और भी डेप्थ में जाते हैं तो वहाँ पर शाओचेन मौका देख के इन दोनों को मार देता है। हालांकि ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल थे लेकिन अचानक से हमला करने पर वो लोग बच नहीं पाए और उस दौरान शाओचेन काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। फिर अचानक से वो एक नदी के किनारे खुद को रिकवर कर रहा था, तभी वहाँ पर एक और ब्यूटीफुल लड़की आ जाती है, वही हमारी लाल कपड़ों वाली लड़की शाओ लीनर। जिसके बाद काफी ज्यादा इन लोगों के बीच में फाइट हुआ कि क्या होगा पता नहीं, मैंने उसके बाद बंद करके रख दिया, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा हटके होगी, मैंने फटाक से आप लोगों को बता दिया। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अब तक 10 chapters के अंदर में मुझे काफी ज्यादा अच्छा एंगेजमेंट मिला मेरी तरफ से। और आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर में हम लोग डेडिकेटेड वीडियोस को बनाएं, जैसे इसकी कल्टीवेशन, पावर्स, वाइफ्स वगैरह जो भी चीजें, तो उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो के ऊपर में तकरीबन 400 लाइक्स का टाइगर को पूरा करना पड़ेगा, जिसके बाद हम लोग इसके अंदर में हाथ लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू दंगा सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।